नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको लगातार हम बता रहे थे कि आरसीपी सिंह के भविष्य को लेकर फैसला बहुत जल्दी ही ललन सिंह लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसके लिए उनको अधिकृत कर दिया है। वहीं भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर भी खबर आ रही है कि ललन सिंह ही अब फैसला लेंगे। यहां तक कि यह भी खबर आ रही है कि जिस तरीके से ललन सिंह अग्रेसिव हो गए हैं और बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग है उसको लेकर नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर अब फेसबुक हो या ट्विटर हो वहां धकिया रहे हैं, इससे भाजपा भी बैकफुट पर चली गई है। पहले भाजपा ने अपने बिहार के नेताओं को चुप रहने के लिए कहा और अब खबर आ रही है कि भाजपा के एक बड़े नेता दिल्ली से पटना आएंगे और पटना आकर जो सीटों का समझौता है उसको करके जाएंगे एमएलसी चुनाव को लेकर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर शायद जदयू के लिए ही हो, आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जदयू ने जारी कर दी है उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारकों की सूची और उसमें से नीतीश कुमार के साथ साथ आरसीपी सिंह का नाम भी हटा दिया है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, आरसीपी सिंह का नाम इस लिस्ट में नहीं होना कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक प्लान हो सकता है भाजपा के साथ डील करने को लेकर। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां यह है कि नीतीश कुमार ने अपने नाम को यहां से हटा लिया है। पहले खबर आ रही थी कि जिस तरीके से चुनाव लड़ने को लेकर वहां विवाद बन रहा है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार योगी के खिलाफ उतर सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने गठबंधन की गरिमा को समझते हुए और अपने पद की गरिमा समझते हुए अपने आप को रोक लिया है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ललन सिंह का रुख बता रहा है और उन्होंने जो बयान दिया वो स्पष्ट बता रहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चुनाव लड़ेगी और उनके खिलाफ भी प्रदर्शन अच्छा करने के लिए उतरेगी और हो सकता है कि योगी को हरा भी देगी। इन सब के दौरान आपको एक बड़ी खबर जान लेनी चाहिए, आरसीपी सिंह जिन पर तलवार लटकी हुई थी उन्हें उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया गया है। ये कहते हुए पहले ये बता दूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सीटों का समीकरण समझाने की और बनाने की जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई थी भाजपा के साथ, लेकिन वो विफल रहे। उन्होंने ललन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अंधेरे में रखा पार्टी को और अब उनकी छुट्टी हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में। जदयू ने 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के साथ ये स्पष्ट कर दिया था कि वो भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह भी तब स्पष्ट हो रहा था कि नीतीश कुमार और बाकी दिग्गज नेताओं को भी उत्तर प्रदेश में उतरकर वोट मांगना होगा, खासतौर पर तब जब सीमांचल जो सीमावर्ती इलाके हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के वहां वोट बैंक जदयू का है। इस सब को जानते हुए आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का नाम इस लिस्ट से गायब कर दिया गया है। जो लिस्ट जारी की गई है उनमें 15 नेताओं की सूची है, उस सूची को मैं पढ़ देता हूं ताकि आप देख लीजिए। पहला नाम है राजीव नंदन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि अध्यक्ष भी है इस पार्टी के। दूसरा है प्रधान महासचिव केसी त्यागी का, उपेन्द्र कुशवाहा का नाम है, रामनाथ ठाकुर का नाम है, उमेश कुशवाहा का नाम है, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का नाम है, हर्षवर्धन सिंह का नाम है, रविंद्र प्रताप सिंह का नाम है, अनूप सिंह पटेल हैं, आर पी चौधरी हैं, सुरेंद्र त्यागी हैं, संजय कुमार हैं और डॉक्टर भरत पटेल हैं, संजय धनगर और डॉक्टर के त्रिपाठी, इन सभी का नाम यहाँ रखा गया है। एक और नाम यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का। बताया जाता है कि ये भाजपा के साथ जो रिश्ते हैं उनके साथ बहुत संतुष्ट और खुश नहीं रहते हैं, ऐसे में इनको आगे बढ़ाना, इनको उत्तर प्रदेश में लेकर जाना कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में करने का नीतीश कुमार का एक प्लान हो सकता है। लेकिन एक बात तो ऑल इन ऑल इस खबर में जान ही लीजिए कि आरसीपी सिंह का इस पार्टी से ये अंतिम विदाई मानकर चलिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।